हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे वेक्टर का, वह है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस चीज़ को देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन या कंपोनेंट का मतलब होता है कोई वेक्टर को उसके कंपोनेंटल पार्ट में तोड़ना, मतलब एक्सिस के अलोंग उसे स्प्लिट करना। हालांकि एक्सिस तो आप जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने सुविधा के अनुसार से हम उसको एक्सिस में तोड़ सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से आप उसको। तो हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है। जैसे एक वेक्टर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने एक वेक्टर लिया है पी वेक्टर है, जो कि इसके साथ एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है। एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस इसको कंपोनेंटल पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसके कंपोनेंटल पार्ट में तोड़ेंगे तो ये पी वेक्टर का जो है एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट, जिधर आपका थीटा है उधर होगा पी कॉस थीटा। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इसको ओ मानते हैं, ओ ए बी, या इस तरह से आप पी क्यू ले लीजिए, ओ पी क्यू। अब देखिए ये थीटा एंगल है, अगर आप ये परपेंडिकुलर है तो थीटा एंगल है, तो हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल को अगर बाहर खोल के लिखते हैं तो हम ये P है हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारा क्या है थीटा है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू अपॉन ओ पी होगा। हम क्या करते हैं ओ पी क्यू, ओ क्यू अपॉन ओ पी, यहाँ से हम कह सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। ओ पी हमारा पी है, ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा। सिमिलरली आप इसे कह सकते हैं पी साइन थीटा, जब ये पी साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। यानी कि हमने वेक्टर पी को उसके कम एक्स एक्सिस के अलोंग इसका होगा एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज पी कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, अब कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा पी साइन थीटा। यानी कि जिधर थीटा है उधर हमको कॉस थीटा लेना है, जिधर थीटा नहीं है उधर के एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस थीटा हुआ है। अगर मान लिया जाए यही पी वेक्टर अगर इसके साथ, सपोज कीजिए यही पी वेक्टर ओ पी इसके साथ अगर अल्फा एंगल बनाता सपोज, तब हमारा कंपोनेंट होता एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, आप इसको थोड़ा सा इसको देखिए, ये हमारा क्या हो जाता फिर से एक ट्रायंगल है। हम फिर से क्या निकालते, ये कंपोनेंट हमारा अब हो जाता पी कॉस अल्फा,
और x कंपोनेंट हो जाता p साइन अल्फा, यानी कि हो जाता p साइन अल्फा। ये फिगर वन है, ये फिगर टू है। मान कहने का मतलब यह है कि जिधर एंगल है उसके साथ कॉस लेना है। तो यहां पर फिगर वन में आपका क्या हुआ, p कॉस थीटा p साइन थीटा, इसमें क्या हुआ कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या है p cos अल्फा कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या होगा p sin अल्फा। जिधर एंगल डिटरमाइन है उसके साथ cos लेना है, जिसके साथ एंगल डिटरमाइन नहीं है उसको sin में लेना है। तो ये तो था कंपोनेंट। अब कंपोनेंट लेते क्यों है, ये जो p वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पर भी कंपोनेंट क्या है एक्स वाई प्लेन। हालांकि आप ये टू डायमेंशनल फिगर हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर में जेड एक्सिस भी होते हैं तो वहाँ पर और सारे प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन होते हैं, वाई जेड प्लेन होते हैं, इस तरह से एक्स जेड प्लेन। तो वहाँ पर भी थ्री डायमेंशनल फिगर में एक जेड कंपोनेंट आएगा इसका। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हम एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का पी वेक्टर का एक्सिस के अलोंग हमने कंपोनेंट लिया, तो इस तरह से आप कंपोनेंट का मतलब होता है किसी वेक्टर को उसके पार्ट्स में कंपोनेंटल पार्ट में तोड़ना, उसके अवयव में तोड़ना। अब कहिएगा अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, यदि कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। एक बार देख लेते हैं उसे भी, यदि कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है आप देख ले, ये वेक्टर है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वेक्टर है पी वेक्टर सपोज दैट है, तो ये पी वेक्टर है तो वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ पी, y कंपोनेंट ऑफ p क्या हो जाएगा जीरो। उसी तरह से अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका क्या होगा x कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ p क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अब बताइए, इसके साथ इसका एंगल कितना है 90 का, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है जीरो का है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 का है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है जीरो का है, इसका पी हो गया, और एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा 90 है तो जीरो हो जाएगा। तो किसी अगर कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो और जेड कंपोनेंट भी जीरो, आगे चल के जब थ्री डायमेंशन में आप कहिएगा तो उसका जेड कंपोनेंट भी जीरो होगा। अगर कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका वाई जेड कंपोनेंट जीरो, एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जेड एक्स कंपोनेंट जीरो, और जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स वाई कंपोनेंट जीरो। इस तरह से एक सवाल देखते हैं, उसके बाद जैसे एक सवाल है, एक वेक्टर है 10 न्यूटन का एफ, और यह इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बढ़ा रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका 10 cos थीटा 10 cos 45, तो एक्स कंपोनेंट इसके हो जाएंगे 10 cos 45। कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो 10/√2। वाई कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा,
इसके साथ टेन साइन 45, टेन साइन 45, टेन साइन 45, तो ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, टेन इंटू वन बाय रूट टू, तो टेन बाय रूट टू न्यूटन न्यूटन। तो आपने जान गया x कंपोनेंट y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। इस तरह से आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को हम एक्सिस के अलोंग लिखने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, इसके बाद यूनिट वेक्टर वेक्टर पढ़ाएंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर काटें वन यूनिट का, तो उसको हम लिखते हैं आई कैप से, उसको लिखते हैं आई कैप से, या फिर आई भी लिख सकते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप से, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप से, या फिर के भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा ये आई जे के करता क्या है, आई जे के ये क्या देता है, आई कोमा जे कोमा के गिव्स द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब एक्स एक्सिस का नेगेटिव होगा माइनस आई कैप नेगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस का नेगेटिव माइनस जे कैप, इसका अंदर की तरफ होगा, इसको बोर्ड के अंदर तो उसको नहीं लिख सकते, इसके अंदर जो होगा z एक्सिस का माइनस के कैप, यानी कि माइनस i कैप क्या बताएगा, नेगेटिव x एक्सिस को, माइनस जे कैप नेगेटिव y एक्सिस को, माइनस के कैप नेगेटिव z एक्सिस को। तो ये सारे क्या हैं, डायरेक्शन बताते हैं, और ये सारे i j के यूनिट वेक्टर हैं। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, और क्या बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि पार्टिकल ट्रेवल 3 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल ट्रेवल 3 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो आपने इसको लिख सकते हैं 3 i कैप, 3 i कैप। आप 1 किलोमीटर में लिख सकते हैं 3 किलोमीटर i कैप, तो 3 किलोमीटर आप कह सकते हैं i कैप। i कैप क्या बता रहा है, i कैप कहने से मतलब हुआ कि यह एक्स डायरेक्शन में चल रहा। इसको लैंग्वेज में लिखने के बजाय हमने एक नोटेशन दिया कि ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है। अगर यही बात रहता इन अपोजिट ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो माइनस 3 i कैप हो जाता, तो माइनस यहाँ पर क्या बताता, नेगेटिव साइन को। चलिए देखते हैं, और पार्टिकल चला यहाँ पे 3 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन में, इसको हमने लिखा 3 i कैप। अगर कहता यही वाई डायरेक्शन में चला, तो हम क्या लिखते, 3 किलोमीटर जे कैप। अगर जेड डायरेक्शन में कहता तो के कैप। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आई जे के क्या देता है, गिव्स देता है डायरेक्शन कोई वेक्टर का। जैसे एक आपको दिया हुआ है
एक वेक्टर दिया है 3i + j4j कैप। इसका मतलब है कि ये जो है वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन कैसे, ये एक्स डायरेक्शन में क्या चला है, 3 यूनिट चला है। ये 3i क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, और ये क्या बता रहा है, 3 बता रहा है ये मैग्नीट्यूड को। एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट चला, 4j कैप कहने का मतलब हुआ यह बताया एक्स डायरेक्शन को, 4 यह बताया मैग्नीट्यूड को, यह बताया वाई डायरेक्शन को। और 4 यानी कि पार्टिकल कुछ इस तरह चला है 3 किलोमीटर और इधर चला है 4 किलोमीटर। ये वेक्टर ए है। तो ये क्या बताता है, 3 बताया मैग्नीट्यूड को और आई ये बताया एक्स और वाई डायरेक्शन में चला। ये वेक्टर ए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकलिए 90 होगा, तो हम इसको कह सकते हैं ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 9 + 16 = 25 √5 यूनिट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसके साथ एंगल की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, एंगल थीटा, थीटा निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, tan θ = perpendicular / base 4y3। यहाँ θ = tan inverse 4y3, या फिर ये 4 है ये 3 है तो इसके एंगल का नाम बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। आप एक ट्रेंगल याद कर लीजिए, अगर कोई ट्रेंगल 3, 4, 5 का है तो बड़ा वाला साइड 53 का होगा, बड़े वाले साइड का एंगल, और छोटा वाला का 37 का हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो ये एंगल थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर 53 डिग्री का। तो आपने जाना, चलिए इसी तरह से पार्टिकल जब 3 डायरेक्शन में चलेंगे, एक पार्टिकल जैसे है वेक्टर p = 3i + 4j + 9k, यानी कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चला, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चला और जेड एक्सिस पे 9 यूनिट चला। तो अब इसका मैग्नीट्यूड अब मान लिया जाए, एक फार्मूला आप देख लीजिए, अगर कोई वेक्टर है r vector = ai + bj, 2D में, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सा क्या करना है, a² + b² √ आप एग्जांपल देख लीजिए, एक तो वेक्टर a = 6i + 8j, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सा क्या करना है, 6² + 8² क्या हो जाएगा, 36 + 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड। अब मान लिया जाए वेक्टर, एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे वेक्टर a = दे दिया है 2i - j, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर a² + -1² यहाँ पर क्या है, -1² क्या हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा, √5। आप यहां पर +1 भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं +1, देखिए स्क्वायर कर रहे हैं यहां पर, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां पर मेन बात है कि माइनस क्या बता रहा है, माइनस इसके मैग्नीट्यूड को शो नहीं कर रहा, माइनस इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है कि पार्टिकल जो है वह कुछ इस तरह चला है। आप देख सकते हैं यहां पर यह है एक्स y y प्राइम, यानी कि पार्टिकल ऐसे चला है और इस डायरेक्शन यानी कि इस क्वाड्रेंट में चला,
तो माइनस आपको ये बताता है, इसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसके साथ आप एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके साथ कितना एंगल है। तो आप फिर से क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर डाल दीजिए और ये डाल दीजिए। तो ये कितना है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो थीटा यहाँ से निकालिएगा तो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो √5। तो इस तरह से अगर आपको दिया है तो इस तरह आप इसे निकाल सकते हैं। मिटा दें इसे। अब जब यही वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में तीनों एक्सिस में दिया रहे, तीनों एक्सिस बोले तो जैसे मान लिया जाए वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया 2i कैप + 3j कैप + 9k कैप। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर एक वही करना है, सिर्फ आपको एक्सिस एक बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू ai कैप + bj कैप + ck कैप दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, √a² + b² + c² इसी तरह यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 9 + 81 = 94। 94 का आप रूट कर सकते हैं। इस तरह से एक और सवाल देख लीजिए, वेक्टर की इक्वल टू 5i कैप - 2j कैप - 3k कैप। यहाँ आ जाएगा वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √5² + 2² + 3² क्या हो जाएगा, 25 + 4 + 9 का √ 25 × 34 √38। ठीक है, ये पार्टिकल का मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह से आपने कार्टेशियन फॉर्म को सीखा। चलिए अब हम देखते हैं एक टॉपिक को, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और यह क्या देता है, इट गिव्स डायरेक्शन ओनली। आपने देखा आई जे के भी एक यूनिट वेक्टर था, वह क्या दिया था, डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे, जेड डायरेक्शन में के। अब जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ए कैप कह सकते हैं। अब कैसे निकाला जाए यूनिट वेक्टर, कोई भी, ये आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, यह सिर्फ क्या देगा, इट गिव्स डायरेक्शन ओनली। अब जैसे कोई वेक्टर को लिखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड तो ये होगी। अब यह 1 है तो इसीलिए आपने एक कैप लिख दिया है, ये इसके डायरेक्शन को बता। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। यानी कि वेक्टर ए का अगर एक कैप निकालना पड़े तो हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे कर देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एक कैप पता चल जाएगा। जैसे हम आपको यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाते हैं, जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर हमको दिया 2i कैप + 3j कैप, इसका यूनिट वेक्टर। पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आपको पहले बताया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
कि इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4+9 यानी कि √13। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए कैप निकालना है। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए जो है 2i कैप + 3j कैप बाय √13 उसका मैग्नीट्यूड। आप इसको चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी आपको वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बेटा वैसे जैसे एक सवाल है, आप ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर p = 3i कैप - 4j कैप + 4k कैप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 9 + 16 + 16 का √41 ये आ गया। अब हमें पी कैप निकालना है, पी कैप निकालने के लिए वेक्टर पी बाय वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा, यानी कि 3i कैप - 4j कैप + 4k कैप बाय √41। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से कल हम इस पे सवाल लेकर के आएंगे, जो भी छोटे मोटे सवाल्स होंगे उसको कल देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल के साथ, कुछ सवाल होंगे उसके साथ आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।